अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अली डेवलपर की जानिब से आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट की मदद से नीचे पैनल को कंट्रोल किया था, तो आज लेक्चर में हम ये करेंगे कि हम एक अदा पैनल डिज़ाइन करेंगे। जो फर्स्ट पैनल है उसको डिज़ाइनिंग करेंगे। व्यूअर, थोड़ी सी मैंने डिज़ाइनिंग चेंज कर दी है। लोकेशन और पार्किंग, डेट फ्रॉम और डेट टू, उसको मैंने सिंपल इन लाइन कर दिया, एक लाइन में कर दिया। सर्च का बटन नीचे आ गया। तो ये डिज़ाइनिंग मैंने थोड़ी सी जगह स्पेस बचाने के लिए की है। और लोकेशन भी मैंने दो रखी है, मार रोड सदर चाइना मार्केट, और पार्किंग एरिया मैंने एक ही रखा है ताकि हमारे पास टोटल दो ही लोकेशन बने, चार लोकेशन ना बने, तो काम हमारा आसानी से हो जाएगा। दो लोकेशन टोटल होंगी, चार लोकेशन भी आप रख सकते हैं, लेकिन मैंने आसानी के लिए दो लोकेशन रख दी हैं। तो सबसे पहली लोकेशन में हम डिज़ाइनिंग करेंगे, तो उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक हॉरिजेंटल लाइन लगा दी मैंने, ऊपर हेडिंग आ गई और नीचे हॉरिजेंटल लाइन। उसके बाद नीचे टेबल इंसर्ट किया, यहाँ पर हम पहला पार्किंग एरिया डिज़ाइन करेंगे। अब ये मैंने एक इमेज बटन यहाँ पर लगाया। ये इमेज बटन किस चीज़ का है? ये इमेज, यहाँ पर हम अब गाड़ियों के इमेज लगाएंगे। गाड़ियों के इमेज कहाँ से लेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। गाड़ियों के इमेज तो मिल जाते हैं, गूगल पे आप सर्च करेंगे तो बेशुमार आपको इमेज मिल जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल मैंने 10 इमेज पेस्ट कर दी है। तो अब इन इमेज की मैं आईडी यहाँ पर चेंज करूँगा। इमेज बटन 1 है तो यहाँ पर मैं इसकी आईडी लिख देता हूँ P1। P1 से मुराद पार्किंग 1। इसी तरह दूसरा इमेज लूँगा, दूसरी इमेज की प्रॉपर्टी में जाऊँगा और उसको मैं P2 लिखूँगा। इसी तरह P1 से लेके P10 तक आपने लिखना है। तो व्यूज, ये मैंने लास्ट P10 तक लिख लिया। यहाँ पर ये हमारे पास P1 से लेके P10 तक 10 पार्किंग एरिया आ गया। व्यूअर्स, ये सारे नाम चेंज करने के बाद हम कोडिंग वाले पेज में जाएंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। अब ये फंक्शन क्या काम करेगा, यहाँ पर ये आपने थोड़ा सा गौर करना है, समझना है ये फंक्शन क्या काम करेगा। मतलब फंक्शन और सब प्रोसीजर बनाएंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे प्रोटेक्टेड सब और आगे उस प्रोसीजर या फंक्शन का नाम लिखेंगे। नाम आपने ऐसा लिखना है कि जिससे आपको उसके फंक्शन का पता चल जाए कि भाई ये फंक्शन ये काम करेगा। तो मैंने नाम लिखा है कॉल ऑल ग्रीन कार। तो इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, तमाम जो कार्स हैं ना उनको पहले ग्रीन करेंगे। यहाँ पर आप कमेंट्स के तौर पर लिख भी दें कि यहाँ पर हम तमाम जो इमेज है उसमें हम ग्रीन कार को कॉल करेंगे। अब इमेज हमारे पास टोटल दो होंगे, एक रेड कार का इमेज होगा और एक ग्रीन कार का इमेज होगा, जो कि हमने एक इमेज का फोल्डर बनाना है और उसमें सेव करने हैं। और कोडिंग में जस्ट हम सिंपल क्या करेंगे कि उस इमेज की आईडी को हम ग्रीन कार की, जो हमने नाम रखा होगा इमेज का, वो हम दे देंगे। व्यूअर्स, इस फंक्शन में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम तमाम कार्स को, जैसे कि हमने लिखा कि p1.imageurl, तो p1 जो है ना उसका हमने इमेज url ग्रीन देना है। अब जैसे कि आप जो देखें, ये p1 जो इमेज है इसका प्रॉपर्टी में अगर आप जाएं तो ये इमेज url एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। इमेज का एक फोल्डर बनाया हुआ है। अब देखें, ये मैंने इमेज का एक फोल्डर बनाया है और इसमें
दो मैंने इमेज रखे हैं, एक ग्रीन कार का और एक रेड कार का। अब आपने एक सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपने कार्स का साइज़ सेम रखना है, सिर्फ कलर डिफरेंट होना चाहिए। वो आप फोटोशॉप में ख़ुद भी बना सकते हैं, कोई भी गूगल से कार की पिक्चर डाउनलोड करके, एक ग्रीन और एक रेड, लेकिन दोनों का साइज़ एग्जैक्ट अगर सेम हो तो वो बहुत अच्छा लगेगा। जैसा कि मैंने लिखी, आप अभी देखेंगे कि मैंने जो ग्रीन कार और रेड कार ली, तो ये मेरी ग्रीन कार शो हो रही है, ठीक है ना। तो इस को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो ये गौर से देखें, ये जस्ट मैंने वहाँ से क्या किया, मैंने सिंपल ये यूआरएल कॉल किया है, मतलब ये स्लैश इमेज स्लैश ग्रीन कार डॉट पीएनजी, उसका P1 को मैंने जो है ना वो कोडिंग में मैंने यहाँ पर P1 के इमेज यूआरएल प्रॉपर्टी की वैल्यू मैंने यहाँ पर दे दी है। अब मेरे पास टोटल 10 इमेज हैं P1 से लेके P10 तक, तो तमाम को वो मैं यही इमेज जो है ना वो असाइन कर दूंगा। तो इस फंक्शन का सिर्फ मकसद ये होगा कि वो तमाम कार्स को ग्रीन कर देगा। अब ये फंक्शन हम क्यों बना रहे हैं, ये आपको समझ आ जाएगा, जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे आपको समझ आ जाएगा। तो व्यूज़ ये देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने सिंपल तमाम कार्स को ग्रीन कर दिया। अब ये मेरी जो है ना तमाम कार्स ग्रीन शो हो रही हैं। इसकी साथ साथ मैं थोड़ी बहुत डिजाइनिंग भी चेंज करता रहूंगा। अलाइनमेंट तमाम आप इनकी सेंटर कर लें ताकि ये थोड़ा सा खूबसूरत नज़र हो। और फिर हम इसके जो टेबल हमने इंसर्ट किया है, इसके बॉर्डर को भी हम कलरिंग करेंगे ताकि ये बकायदा तौर पर हमें सही पार्किंग एरिया की तरह हमें नज़र आए। तो आप देखेंगे वक्त के साथ साथ जो है ना वो काफ़ी चेंजिंग आएगी डिज़ाइनिंग में, साथ साथ डिज़ाइनिंग में भी ध्यान देना है। अब ये मैं यहाँ पर रोड बनाने की कोशिश करूँगा दरमियान वाले एरिया में, वह आप देखें ये है हमारे पास, थोड़ी सी इसका व्यू चेंज हो गया। यहाँ पर मैं एक अबव कॉलम अबव रो इंसर्ट करूँगा, ऊपर एक मैंने रो इंसर्ट की ताकि ये मैं इनकी पार्किंग के नाम भी लिख सकूँ, P1 P2 P3 P4, इसका मतलब ये है कि ये पार्किंग के नाम है। इसी तरह नीचे भी मैं लिखूँगा P6, P7, P8, P10 तक मैंने मुकम्मल कर लिया। ये बस थोड़ी बहुत डिजाइनिंग में चेंजिंग आ गई। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बॉर्डर लगाऊंगा, जो टेबल है ना उनके तमाम को नहीं करूँगा, सिर्फ मैं लेफ्ट सॉलिड लाइन अगर मैं लगा दूँ बिल्कुल बारीक और कलर मैं बिल्कुल डिम सा रखूँ, तो इसमें मैं क्या करूँगा टॉप को छोड़ दूँगा
बाकी तीनों हमारे पास आ जाएंगी, टॉप रह जाएगी। एक बार आप विज़िट कर लें बस, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसा लगेगा ये भी बस। और देखें, टॉप टॉप को मैंने बॉर्डर नहीं किया, बाकी तीनों लेफ्ट राइट और बॉटम को मैंने बॉर्डर किया। इसी तरह ऊपर की तमाम रोज़ हैं, उनका भी मैं स्टाइल में जाके इसी तरह एज में जाऊंगा और बॉर्डर लगाऊंगा। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पर ये बिल्कुल थोड़ी सी बेहतर डिज़ाइनिंग हो गई है। तो व्यूअर्स, आज मैं क्या करूँगा, दरमियान में एक रोड बनाने की कोशिश करूँगा। ये दरमियान वाला जो एरिया नज़र आ रहा है ना, अब इसमें हम एक टू वे रोड बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखते हैं, हमारे पास ये दो रोज मौजूद हैं, इनको मर्ज कर देते हैं। ऊपर वाली को लैदा मर्ज कर लें, नीचे वाली को लैदा मर्ज कर लें, तो ये आपके पास दो रोड बन जाएंगे। और इनकी अगर आप कलर भी चेंज कर दें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त काम हो जाएगा। जैसे रोड का कलर होता है वैसा कलर अगर आप रख लें, तो ये हमने क्या किया, एज में गए और हमने एक इसको सॉलिड लाइन के साथ डिस्प्ले करवा दिया। अब आप इसको ब्राउजर में दोबारा व्यू करें, नीचे टेबल ऐड की आपने, उस टेबल की विड्थ 100% कर लें आप। मिडल वाले सेल का बैकग्राउंड कलर आप कोई भी लाइट सा कलर रख लें या डार्क कलर, जो भी कलर रखना चाहते हैं आप। ऊपर वाले तमाम टेबल को उठाएं और इस मिडल वाले टेबल में आप रख दें। देखें, इसका बैकग्राउंड कलर ऑटोमेटिकली तमाम का बैकग्राउंड कलर ये बन जाएगा। और इसको ब्राउज़र में व्यू करके चेक कर ले कैसा लगता है ये। तो ये ठीक लग रहा है तो ठीक है, अगर नहीं तो आप कलर चेंज कर लें अपनी मर्ज़ी का, कोई भी कलर रख लें।
तो यूज़ ये मैंने लाइट कलर रख लिया, चेंज कर लिया। डिज़ाइनिंग बाज़ का तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है, लेकिन वक्त के साथ साथ आपको डिज़ाइनिंग आपकी खूबसूरत होती जाती है। तो व्यूज़ ये मैंने थोड़ा सा पेज को है ना वो डिज़ाइन कर लिया है इस तरह। बाकी आप फर्दर इसमें अच्छी से अच्छी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब साथ वाले बॉक्स में मैं एक हिंट के तौर पर, यहाँ पर हिंट के तौर पर मैं डाल देता हूँ कि रेड कार का क्या मतलब है और ग्रीन कार का क्या मतलब है। तो यहाँ पर मैं दो इमेज डालता हूँ, एक रेड के लिए एक ग्रीन के लिए। इसका इमेज यूआरएल मैं यहाँ से डायरेक्ट दे देता हूँ, एक को ग्रीन दे देता हूँ, दूसरे को मैं रेड दे देता हूँ। ग्रीन कार का मतलब है कि ये अवेलेबल है पार्किंग स्पेस, और रेड कार का मतलब है कि ये बुक्ड है, अवेलेबल नहीं है पार्किंग। तो ये हिंट के तौर पर दो यहाँ पर मैंने पिक्चर्स डाल ली। इसको ब्राउज़र में आप ओपन करके चेक कर लें। तो ये देखें, ये व्यूअर्स यहाँ पर हमारा, तो व्यूअर्स यहाँ पर हमारा थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग का काम मुकम्मल हो गया है। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इसका हमने स्क्रिप्ट लिखना है कि कार को हमने बुक कैसे करना है, और बुक करने के बाद हमने उस डाटा को, हमने डाटा टेबल डाटा सोर्स में इंसर्ट करवाना है। डाटा सोर्स को अभी तक हमने टच नहीं किया, इतना सिंपल हमने लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के लिए इंसर्ट किया था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने जो स्क्रिप्ट लिखना है। तो व्यूज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।